अबू धाबी में फिलहाल हर कहीं जोरदार निर्माण कार्य चल रहा है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहे जाने वाले 7 शेख डम्स में सबसे बड़ा है। इसकी राजधानी को भी अबू धाबी कहते हैं और ये दुनिया का सबसे रईस शहर है। इसके शासक शेख खलीफा के पास बैंक में 875 अरब डॉलर्स हैं और उनकी खर्च करने की योजना भी इतनी ही जानदार है। वो यहाँ की स्काईलाइन को बदलकर इसका मुकाबला लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग से करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये एमिरेट एक क्रॉसरोड पर खड़ा है। कुछ ही दशक पहले अबू धाबी एक डेजर्ट बैकवाटर था। फिर 1958 में यहाँ तेल की खोज हुई, जिससे यहाँ के शासक शेख जायद को बेहिसाब दौलत हासिल हुई। जब तेल की बिक्री से डॉलर्स आने शुरू हुए तो उन्होंने छोटे छोटे घरों की जगह बना डाली आसमान छूती इमारतें, और पारंपरिक जीवन शैली गायब होती गई। आज अबू धाबी एक फलता फूलता महानगर है और यहाँ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन सिर्फ इस ब्लैक गोल्ड के बल पर ही ये शहर सुपर लीग में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए शेख खलीफा को यहाँ बड़े बिजनेस हाउसेस और सैलानियों को लाना होगा। अबू धाबी को फलने फूलने के लिए और बढ़ना होगा। अबू धाबी को दुनिया के नक्शे पर उभारने के लिए उभरते हुए प्रॉपर्टी डीलर्स अल्दार ने एक बिल्कुल नया छोटा सा शहर बनाने का फैसला किया है। ये है अल राहा बीच। ये एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। ये शहर 11 किलोमीटर लंबा और करीब 1 किलोमीटर चौड़ा होगा और समुद्र में बना ये शहर अबू धाबी के इतिहास में अब तक का बना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इस जबरदस्त निर्माण को करने की जिम्मेदारी मोहम्मद अल मुबारक पर है। इस हाइनेस और अल्दार एक ऐसी मिनी सिटी बनाना चाहते थे जहां पर लोग रह सकें, पढ़ सकें, खेल सकें और काम कर सकें। अल राह को कामयाब बनाने के लिए मुबारक को इसकी तरफ इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना होगा, तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए वो एक अनोखे स्काईस्क्रेपर का निर्माण शुरू करते हैं। अल राह बीच पर एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत अहमियत रखता था। इससे अल राह बीच दुनिया के नक्शे पर आ जाता। अल मुबारक ने एक आइकॉनिक बिल्डिंग को डिजाइन करने का काम सौंपा लेबनन के आर्किटेक्ट मारवान जरायेब को। लेकिन ये चुनौती अब और भी बड़ी हो गई। अब इस इमारत को अल्दार का हेडक्वार्टर बनना था और वो भी इस विशाल निर्माण परियोजना के बीचों बीच। लेकिन जहां रोज ही कोई नई आइकॉनिक बिल्डिंग बनती हो, वहां कुछ नया बनाना आसान नहीं था। पास के एमिरेट दुबई ने कई नामी गिरामी प्रोजेक्ट्स बनाकर वाहवाही लूटी थी, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, द पाम, द वर्ल्ड और बेहद नुमाया बुर्ज अल अरब। जरेब जानते थे कि इस भीड़ से अलग नजर आने के लिए उन्हें कुछ बेहद खास ही बनाना होगा। कभी कभी सिंपल भी पावरफुल हो सकता है, खासकर आर्किटेक्चर में। आप देख सकते हैं इजिप्ट के उन विशाल पिरामिड्स को। ज्यादातर आइकॉनिक बिल्डिंग्स सिंपल ही होती हैं। इस इमारत का आइडिया उनके दिमाग में तब आया जब वो एक प्लेन में कहीं जा रहे थे। मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो उस वक्त मैं आराम कर रहा था कि तभी मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने पेन लिया और इसे एक स्केच बुक पर बना दिया। ये डिजाइन सिंपल था, लेकिन इसे बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये एक ऐसी गोल इमारत थी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची थी। इसकी स्किन कर्व्ड ग्लास की थी जो 4 फुटबॉल फील्ड्स जितना एरिया कवर करती थी। सच कहूं तो जिस पल मैंने इसके बारे में सोचा, तभी मुझे ऐसा लगा कि ये दिल को जीत लेगी। मैं जानता था कि ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। दरअसल ये डिजाइन इतना अनूठा था कि शुरू में अल मुबारक को समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। जब मैंने मारवान जरेब के डिजाइन को देखा तो शुरू में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी कॉमिक को देख रहा हूं। मुझे लगा कि ये कोई फ्लाइंग सॉसर है जो अल राह बीच पर लैंड कर गया है। मैं उसे देखता रहा और करीब 15 मिनट तक उस पर नजरें गड़ाए रहा, और बस 15 मिनट में ही मुझे वो डिजाइन पसंद आ गया। जरेब का डिजाइन कुदरत से प्रेरित था। कर्व्ड ग्लास की 2 विशाल गोल दीवारें किसी खुले क्लैम शेल जैसी लगती थीं। आर्किटेक्चर और कुछ नहीं, कुदरत की नकल ही है। शुरू में आइडिया बिल्कुल ज्योमेट्रिकली प्योर लग रहा था, किसी सी शेल जैसा।
अबू धाबी के लिए उसकी समुद्री यात्राओं वाली विरासत के कारण सी शेल के गहरे मायने हैं। लेकिन गोल्ड डिजाइन से एक समस्या भी पैदा होती है, अपने छोर पर खड़े किसी सिक्के की तरह इसके अस्थिर होने का डर रहता है। इस सर्कल को बैलेंस करने की जरूरत थी, इसलिए जरेब ने पुराने दौर की ज्योमेट्री की मदद ली। सर्कल के फसाड की असली चुनौती थी दो ऐसे पॉइंट्स को खोजना जहां इमारत को जमीन पर पोज करना चाहिए, और उसके लिए मुझे आर्किटेक्चर के एक बेहद पुराने नियम की मदद लेनी पड़ी। यह है प्रोपोर्शन। अगर कोई सर्कल हो तो आप उसे पेंटाग्राम में डिवाइड कर सकते हैं। दरअसल पेंटाग्राम इंसानी शरीर का कॉस्मिक रूप ही है, तो आप पेंटाग्राम में रख सकते हैं एक इंसान और यूनिवर्स को। पेंटाग्राम सर्कल के दो ऐसे पॉइंट्स को दिखाएगा जहां फसाड जमीन पर टिकेगा और इससे एकदम सही बैलेंस बनेगा। इसी सोच के बल पर 16वीं सदी के फिलोसोफर हाइनरिक एग्रिपा ने एक सर्कल के अंदर एक पुरुष को एक पेंटाग्राम के रूप में बनाया था, और ये सदियों से इमारतों को प्रोपोर्शन करने में आर्किटेक्ट्स की मदद करता आया है। लेकिन किसी सर्कुलर स्काईस्क्रेपर को स्केच करना एक बात है और इसे असलियत में बदलना दूसरी बात। इस तरह की इमारत पहले कभी नहीं बनाई गई थी। जरेब को लिहाजा ये पता लगाना था कि क्या ये डिजाइन वाकई निर्माण में तब्दील हो सकता है। हम शुरू से ही ये जानते थे कि इस बिल्डिंग की इंजीनियरिंग कोई आसान ट्रेडिशनल सी चीज नहीं होगी। लेकिन पहली बड़ी चुनौती इस स्काईस्क्रेपर की तरफ से नहीं बल्कि उसकी प्रपोज्ड साइट से पैदा हुई। वो मुझे साइट दिखाना चाहते थे, पर वहां तो सिर्फ समुद्र ही था, जमीन तो थी ही नहीं। हैरानी की बात ये थी कि अल्दार के हेडक्वार्टर्स के लिए जरूरी ठोस जमीन मौजूद ही नहीं थी। इसे बनाने वाली जगह पर्शियन गल्फ में जमीन से 700 मीटर दूर और पानी में 8 मीटर नीचे थी। लिहाजा अब एक नई जगह बनानी थी जिसके लिए 30 लाख घन मीटर से ज्यादा रेत ढूंढनी थी। अबू धाबी में रेत के बेहिसाब टीले हैं, लेकिन इसलिए ये काम तो एकदम आसान होना चाहिए था। लेकिन रेगिस्तानी रेत बहुत महीन होती है, उससे इमारतें नहीं बनाई जा सकती, इससे तो जमीन समुद्र में खिसक जाती। इसके लिए जरूरत थी समुद्री रेत की। इसके बड़े कण इसे आपस में जोड़े रखते हैं जिससे परफेक्ट बेस बनाया जा सकता है। इसका एक समाधान था समुद्र की तली से रेत खोदना, पर खुशकिस्मती से पिछले शेख ने उनके लिए ये काम पहले ही कर दिया था। सन 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में एक शिपिंग चैनल बनाते समय शेख जायद ने बेकार रेत से एक आइलैंड बना डाला था। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स को ये रेत पानी के पास ही मिल गई, और उन्होंने इस पूरी 2 करोड़ घन मीटर रेत को इस्तेमाल करने का फैसला किया। कटर ड्रेजर्स का एक फ्लीट इस आइलैंड को साफ करने में जुट गया। ये कोई साधारण ड्रेजर्स नहीं है, इसमें सख्त हो चुकी इस रेत को काटने के लिए 48 रीइंफोर्स्ड स्टील टीथ वाला एक विशाल क्लॉ है। रेत को एक फ्लोटिंग पाइप के जरिए निर्माण वाली जगह तक पंप किया गया। यहां एक्सकेवेटर्स इस नई जमीन को समतल बनाने के लिए 2400 घंटे मेहनत करते रहे। आठ महीने बाद अल्दार हेडक्वार्टर्स के लिए आखिर जमीन बनकर तैयार हो ही गई, और इस तरह पहली बड़ी समस्या पर विजय पा ली गई। अब बस इंजीनियर्स को जरेब के इस अनोखे डिजाइन को एक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट में बदलना था। पर जल्द ही इंजीनियरिंग टीम को यह समझ आया कि वक्त कम है। प्रोग्राम के मुताबिक डिजाइन बनाने और पाइलिंग का काम शुरू करने के बीच हमारे पास सिर्फ 2 महीने का ही समय था। किसी इमारत के मामले में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, मगर ये इमारत तो खास थी क्योंकि इसकी ज्योमेट्री नई और अनोखी थी। अल्दार चाहता था कि इस स्काई स्क्रेपर को बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाए, सिर्फ 30 महीने की अवधि में,
अबू धाबी जब अपनी पहली फॉर्मूला वन ग्रां प्री होस्ट करेगा तो सारी दुनिया की निगाहें उस पर होंगी। ये रेस ट्रैक भी उसके अपने खास आइलैंड पर होने वाला था, जिस पर होटल और थीम पार्क भी थे, और इन सब को बनाने की जिम्मेदारी अल्दार पर थी। इस मौके पर इंटरनेशनल प्रेस और हजारों विजिटर्स शहर में आने वाले थे, लिहाजा अल्दार के लिए अपना नया हेडक्वार्टर्स दिखाने का ये सुनहरा मौका था। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम को अपने रास्ते की सारी बाधाएं दूर करनी थी। आमतौर पर निर्माण शुरू होने से पहले ही ब्लूप्रिंट्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन अल्दार के हेडक्वार्टर्स की डेडलाइन का मतलब था कि ऐसा नामुमकिन है। इस प्रोजेक्ट के साथ जो चुनौतियां जुड़ी थीं, उनसे निपटने का एक ही तरीका था कि डिजाइन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी चलता रहे। सिर्फ इसी तरह 30 महीने में ये टीम ऐसे अनोखे स्काईस्क्रेपर को डिजाइन कर सकती थी और बना सकती थी। समय तेजी से बीत रहा था और फाउंडेशंस के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा था। इन्हें अल्दार हेडक्वार्टर्स के भार को जमीन तक ले जाना था, लेकिन एक समस्या थी। निर्माण से थोड़ा ही पहले ब्लूप्रिंट्स पर काम करना जोखिम भरा हो सकता था। जिस रफ्तार से कंस्ट्रक्शन किया जाना था, उसके हिसाब से हमें फाउंडेशंस पहले बनानी थी और फिर ये तय होता कि ऊपर क्या बनेगा। हालांकि अल्दार हेडक्वार्टर्स जैसी इमारत पहले कभी नहीं बनी थी, पर इंजीनियर्स को अपना विश्वास बरकरार रखते हुए बिना पूरे प्लान्स बने ही फाउंडेशन को बनाना शुरू करना था। इससे टीम पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा, लेकिन समस्याओं को बेहद जल्दी सुलझाने की जरूरत थी। हम ज्यादा देर तक उनका समाधान ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। अबू धाबी के गोल्ड स्काईस्क्रेपर पर डिजाइन बनना शुरू हुए अभी एक महीना ही हुआ था कि फाउंडेशन का काम शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम साइट पर आ पहुंची। कंस्ट्रक्शन मैनेजर माइल्स ओ सॉलिवन को शेड्यूल ने हैरान कर दिया। डिजाइन पूरी तरह तैयार नहीं था और एक महीने में पाइलिंग शुरू करनी थी। इट्स ऑलमोस्ट क्रेजी। लेकिन ओ सॉलिवन को सिर्फ डेडलाइन की ही चिंता नहीं करनी थी। अल्दार का गोल आकार वाला हेडक्वार्टर्स हवा चलने की सूरत में किसी विशाल पाल की भूमिका निभाने वाला था। फाउंडेशन इस दबाव को सह सकती थी, ये साबित करने के लिए विंड टनल टेस्ट किए जाने की जरूरत थी, लेकिन जब तक रिजल्ट्स आते उससे पहले काम शुरू हो चुका था। अबू धाबी को लगातार पर्शियन गल्फ से आने वाली हाई प्रेशर विंड्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्दार हेडक्वार्टर्स को समुद्र के इतने नजदीक बनाने से फाउंडेशन पर एक अलग ही किस्म का दबाव पड़ने वाला था। अल्दार हेडक्वार्टर्स के लिए खुदाई करना यहाँ रेत में खुदाई करने के जैसा ही है। आप जब यहाँ खोदते हैं तो रेत में से जमीनी पानी बाहर आने लगता है, और रेत में से बाहर आने वाले इस जमीनी पानी के कारण ही प्रेशर बनता है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यही पानी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। पानी का ऊपर की तरफ दबाव और ढीली रेत, ये दोनों ही फाउंडेशन के निर्माण में मुश्किल खड़ी करते हैं। इससे पहले कि खुदाई शुरू हो, टीम को डायफ्रेम वॉल या डी वॉल नामक एक सॉलिड बैरियर बनाना होगा। कंक्रीट का ये बैरियर इंटरलॉकिंग पैनल से बनता है, जो बेडरॉक में सतह से 16 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है। ये डी वॉल ढीली रेत और आने वाले समुद्री पानी को थामे रखती है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि बैरियर के अंदर वाली मिट्टी को हटाया जा सकता है। लेकिन डी वॉल को फाउंडेशन बनाने से पहले बनाना होता है, लेकिन क्योंकि ब्लूप्रिंट पर भी काम चल रहा था, इसलिए टीम ये उम्मीद ही कर सकती थी कि फाउंडेशंस की ओवर इंजीनियरिंग उन्हें पर्याप्त मजबूती देगी। इस डिजाइन में कॉन्क्रीट के करीब 400 पाइल्स की जरूरत पड़ने वाली थी, जो दो तरीके से काम करते। आधे पाइल्स जमीन के फ्रिक्शन पर निर्भर रहते, ताकि ये स्ट्रक्चर चट्टान और नीचे मौजूद रेत पर मजबूती से टिका रहे,
जबकि बाकी पाइल्स को चट्टान में काफी गहराई तक जाना था ताकि इस इमारत का जबरदस्त वजन जमीन में बढ़ जाए। साइट पर डी वॉल का निर्माण शुरू हो गया। इधर अबू धाबी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यही प्रक्रिया जारी थी। अभी हाल तक अल राहब बीच सिर्फ अलदार के मोहम्मद अल मुबारक के लिए एक विजन था, पर अब ये सपना धीरे धीरे समुद्र में से बाहर उभरने लगा। जमीन को समुद्र से निकलता हुआ देखकर, कंस्ट्रक्शन साइट पर इतने सारे लोगों को काम करता हुआ देखकर हमें यूं लगा जैसे रोम बन रहा हो। डी वॉल और कंक्रीट पाइल्स ने वो मजबूत फाउंडेशन बना दी जिस पर अलदार हेडक्वार्टर्स का निर्माण होना था। लेकिन रेत से होकर समुद्र की जो ताकत बाहर निकल रही थी वो अब भी स्काईस्क्रेपर के लिए एक खतरा बनी हुई थी। अलदार हेडक्वार्टर्स में हम जमीनी पानी को लेकर जो मुश्किल झेल रहे थे उसे समझाने के लिए इस बोतल को आप अलदार हेडक्वार्टर्स मान लीजिए। तो मैं जब इस बोतल को नीचे धकेलता हूँ तो मेरे हाथ पर दबाव पड़ता है। इसी तरह ग्राउंड वाटर बिल्डिंग को बाहर की तरफ धकेल रहा है, यानी वो अलदार हेडक्वार्टर्स को बिल्डिंग साइट से बाहर पुश कर रहा है। निर्माण के दौरान साइट को सूखा रखने के लिए पानी को रेत से बाहर निकालकर समुद्र में फेंका गया, लेकिन ये तो एक बस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था। लॉन्ग टर्म में इस स्काईस्क्रेपर को बचाने के लिए टीम को एक अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत थी। ये कंक्रीट का एक विशाल स्लैब है जिसे राफ्ट कहते हैं। ये आगे बढ़ते पानी के खिलाफ एक बैरियर बनाता है। इससे पाइल्स बिल्डिंग में छेद नहीं कर पाते। ये किसी स्नो शू की तरह काम करके अलदार हेडक्वार्टर्स के 59,000 टन वजन को जमीन पर समान रूप से बांट देता है। अलदार हेडक्वार्टर्स के राफ्ट के निर्माण के लिए 12,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की जरूरत थी। ये 30,000 टन वाला स्ट्रक्चर था। ये बहुत ज्यादा वजन है। 2,000 ट्रक भरकर कंक्रीट डालनी थी और ये काम रात में भी चलता रहा। लेकिन इंजीनियर्स को तो वो ताकतें अब समझ आनी शुरू हुई थी जो पाइल्स को प्रभावित करने वाली थी। स्काईस्क्रेपर की अनूठी शेप हवा को किसी यॉट के सेल की तरह पकड़ने वाली थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि फाउंडेशन इतनी मजबूत थी कि वो इतनी ताकत सह पाती। एडवांस कंस्ट्रक्शन का काम तो इतनी जल्दी शुरू होने वाला था कि हमारे पास विंड टनल टेस्ट का भी वक्त नहीं था, और इसे करना बेहद जरूरी था इसलिए क्योंकि यह अनोखी शेप वाली बिल्डिंग थी। गिबन्स ने कोलोराडो अमेरिका के विंड इंजीनियर रॉय डनून को फोन किया। उन्होंने हेडक्वार्टर का एक स्केल मॉडल बनाकर अपनी हाईटेक विंड टनल में उसकी जांच की। शुरू में ही क्रेग गिबन्स ने मुझसे कह दिया था, आपके पास एक बड़ी अजीब सी चीज भेजी जा रही है, कि आप इस पर नजर डालकर अपना अंदाजा दे सकते हैं कि विंड लोड्स कैसे होंगे। जरा हमें गाइडेंस दीजिए कि फाउंडेशंस पर से लोड किस तरह घटाया जाए, क्योंकि यहां तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। गिबन्स पहले ही फाउंडेशंस बना रहे हैं, ये जानकर डनून ने अपने फैंस को चालू करने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया। अगर टेस्ट से पता चलता कि विंड लोड्स अनुमान से ज्यादा हैं, तो जमीन में पहले से ही बन चुकी फाउंडेशन को दोबारा से डिजाइन करना पड़ता। विंड टनल टेस्टिंग से पहले फाउंडेशंस बना देने से हमें हमेशा थोड़ी बहुत चिंता हो ही जाती है। डनून की चिंता जायज थी। वो जानते हैं कि किस तरह हाई ऑल्टीट्यूड विंड बेहद ऊंची रेक्टेंगुलर इमारतों पर असर डालती हैं। लेकिन अलदार हेडक्वार्टर्स की कम ऊंचाई का मतलब था कि खतरा एक और किस्म की हवा से है। अगर हम मिडिल ईस्ट और इस इलाके की तेज रफ्तार हवाओं पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि तेज हवाएं थंडर स्टॉर्म्स की वजह से पैदा होती हैं, जिन्हें हम गस्ट विंड स्पीड्स या शॉर्ट इवेंट्स कहते हैं। अबू धाबी में बेशक खिली हुई धूप नजर आती हो, पर बसंत के दौरान तेज गर्मी से नम हवा गर्म हो जाती है, जिससे जबरदस्त थंडर स्टॉर्म्स पनपते हैं, जिनकी हवाओं की रफ्तार 137 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती है। इस इलाके के गरज भरे तूफानों की खासियत यह है कि उनकी हवा की रफ्तार बहुत ही तेज होती है।
जो इमारतें बहुत ऊंची हैं, उनके लिए इससे ज्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि ये कम ऊंचाई पर चलती है, पर अल्दार के लिए ये वाकई गंभीर थी। थंडरस्टॉर्म विंड्स जमीन से 50 और 150 मीटर के बीच सबसे मजबूत होती हैं, यानी अल्दार हेडक्वार्टर्स डेंजर जोन के ठीक बीच में था। विंड टनल टेस्ट के नतीजे पाने से पहले हम विंड टनल इंजीनियर रॉय डिनून से काफी बातचीत करते रहे और रॉय मुझे बताते रहे कि उन्हें क्या लोड्स मिल रहे हैं। वो ये जानते थे कि इस दौरान बिल्डिंग्स के पाइल्स लगाए जा रहे हैं। अल्दार हेडक्वार्टर्स के सेल के आकार वाले फसाद से हवा के टकराने से इमारत के संकरे बेस पर दबाव पड़ने लगा। हवा इस स्ट्रक्चर को मरोड़ देना चाहती थी। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए फाउंडेशन काफी मजबूत होनी चाहिए थी। अब जरा टनल विंड की स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी और। डेनून ने विंड टनल डेटा का एनालिसिस किया। गिबन्स की खुशकिस्मती से डेनून का उन्हें डराना सिर्फ एक मजाक भर था। जब मुझे विंड टनल टेस्ट के नतीजे मिले और वो मेरी पहली वाली प्रेडिक्शन से मिलते जुलते ही थे, तो इससे मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने फौरन उन्हें फोन किया। उन्हें ये सुनकर काफी राहत मिली क्योंकि वो इस बात को लेकर काफी परेशान थे। ये जानकर बहुत राहत मिली कि रॉय सिर्फ मेरी खिंचाई कर रहे थे, और असलियत ये थी कि विंड लोड्स करीब करीब उतने ही थे जितने की मुझे उम्मीद थी। विंड टनल टेस्ट के नतीजे बहुत अच्छी खबर थे, लेकिन ये राहत ज्यादा लंबी नहीं रही। अब इस स्ट्रक्चर को एक बहुत ही मजबूत बैकबोन या कोर की जरूरत थी, लेकिन एक बार फिर कोई आम कोर इस डिजाइन में फिट नहीं हो सकती थी। अल्दार हेडक्वार्टर्स के लिए एक कोर ही काफी नहीं था। इस स्ट्रक्चर के पूरे लोड को संभालने के लिए हमें दो कोर्स की जरूरत थी। और ज्यादा मजबूती के लिए अल्दार हेडक्वार्टर्स को कंक्रीट की दो कोर्स की जरूरत थी। इन दोनों स्पाइंस को कंक्रीट स्लैब से लेवल 23 तक 125 मीटर की ऊंचाई तक जाना था। 6,500 टन स्टील से रीइंफोर्स्ड ये कोर्स लोड्स को पाइल्स में ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन इन फोर्सेस को सुरक्षित ढंग से चैनलाइज करने के लिए कंक्रीट को बिना किसी खामी के कास्ट किया जाना था। उन्हें इन कोर्स को कंक्रीट के दो सिंगल पीसेस की तरह बनाना था, और इसका तरीका था स्लिप फॉर्म। कंक्रीट के बड़े बड़े टावर्स बनाने का ये एक बढ़िया तरीका है। लिक्विड कंक्रीट को एक विशाल मोल्ड में डाला जाता है जो स्ट्रक्चर की शेप को बनाता है। कोर को बनाते समय मोल्ड को धीरे धीरे ऊपर खिसकाया जाता है, जिससे बिना जोड़ वाला एक सिंगल कंक्रीट टावर बन जाता है। बिना जोड़ वाली कंक्रीट से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हेडक्वार्टर्स के कोर मजबूत हैं, लेकिन 125 मीटर ऊंचाई वाली इन बैकबोन्स को सिर्फ 6 महीने में बनाया जाना था। दुबई की कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यही प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी अगुवाई कर रही थी अल्दार हेडक्वार्टर्स टीम। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें हर एक घंटे में ऊपर की तरफ कितना बढ़ना होगा और हर घंटे में कितना कंक्रीट डालना होगा। स्लिप फॉर्म बेशक तेज है, लेकिन इस शेड्यूल के मुताबिक ये पर्याप्त तेज नहीं है। निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के लिए ओ सॉलिवन के पास एक तरकीब है। अगर दोनों कोर्स के बीच मुकाबला शुरू करा दिया जाए तो काम काफी तेजी से होगा। टीम्स एक दूसरे से पहले अगले लेवल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती हैं। कोर्स लगातार चलने वाली एक साइकिल के तहत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कंक्रीट को रिलीज करके स्टील रीइंफोर्समेंट के इर्द गिर्द डाला जाता है। स्ट्रक्चर से जोड़े गए हाइड्रोलिक्स मोल्ड या शटर को उठाते जाते हैं ताकि कंक्रीट की अगली लेयर डाली जा सके। यह मैन पावर की बड़ी अहमियत है क्योंकि स्लिप फॉर्म में काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। आपको सुनिश्चित करना होता है कि लोग डेक पर हैं, वो वहाँ सही समय पर हैं और सही काम कर रहे हैं। कोर को बनते हुए 4 महीने हो गए हैं और दोनों टीम्स ऊपर की ओर बढ़ते हुए एकदम कांटे की टक्कर पर हैं। को वन के टीम लीडर को टू की ऊंचाई पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। ये मेरा बेंचमार्क रहा है, तो अगर मेरा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है तो मैं उनसे पहले काम खत्म कर लूंगा। यहाँ काफी प्रेशर है। बॉस मुझसे कहते हैं कि गो अप, बट इट्स गुड, प्रेशर इज गुड। को टू के लीडर को भी तनाव महसूस हो रहा है। मैं 2400 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं दूसरी कोर से पहले काम खत्म करने की कोशिश करूंगा। हर महीने ये बिल्डर्स इतनी कंक्रीट डालते हैं कि उससे 1.5 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भर जाएं, लेकिन टीम्स की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। फिनिशिंग अब भी एक चुनौती है, बेशक कोर्स
बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और कभी कभी इस दौरान समस्याएं भी आ जाती हैं। इसलिए काफी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो समय पर बन जाएगी। हमें स्ट्रक्चर स्टील एलिमेंट्स बनाने पड़े और क्रेन कनेक्शन सही ढंग से लगाने पड़े। सिर्फ 6 महीने खत्म होने के साथ ही दोनों कोर्स का निर्माण खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। कोर 2 सिर्फ करीब 1 मीटर ही पीछे है, लेकिन कोर 1 ने जीत हासिल कर ली। कोर 1 वन द रेस। ये जानकर अच्छा लगा कि हम टॉप पर हैं। ओ सॉलिवन ने कोर्स को रिकॉर्ड समय में बनाने का जो दाव खेला था वो उसमें कामयाब रहे। कोर्स को बनाकर पूरा करने के काम में काफी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा लग रहा है, लेकिन कोर का निर्माण तो पहली सीढ़ी है, अभी तो बहुत कुछ किया जाना है। टीम अभी तक तो अल्दार हेडक्वार्टर्स को अमली जामा पहनाने से जुड़ी बाधाओं से जीतती आई है, लेकिन अब उन्हें अपनी अब तक की सबसे पेचीदा चुनौती का सामना करना होगा। 1 साल हो गया है और अबू धाबी का ये अनोखा स्काईस्क्रेपर आकार लेने लगा है, लेकिन डेडलाइन सिर्फ 19 महीने दूर है। इसलिए अब इंजीनियर्स को ये तय करना होगा कि अल्दार हेडक्वार्टर्स के विशाल बाहरी शेल को कैसे बनाना है। डिजाइन के तहत एक ऐसा भारी भरकम शेल चाहिए जो इसकी चौड़ाई को सपोर्ट कर सके और तेज हवा के दबाव को भी झेल सके। लेकिन आर्किटेक्ट की ख्वाहिश है खुला ऑफिस स्पेस, फर्श से छत तक की विंडोज और पर्शियन गल्फ का शानदार नजारा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रेक्टेंगुलर स्काईस्क्रेपर्स के शेल्स को कंक्रीट से बनाया जाता है, लेकिन अल्दार हेडक्वार्टर्स की ज्योमेट्री इतनी पेचीदा है कि इसे किसी स्विस वॉच जितनी सटीकता से बनाए जाने की जरूरत है। इतने बड़े स्केल के कारण कंक्रीट के साथ इतनी अधिक सटीकता पाना लगभग नामुमकिन ही है। हम शुरू से ही जानते थे कि पूरी तरह कंक्रीट से बनी बिल्डिंग कामयाब नहीं होगी। ऐसे में इंजीनियर्स को एक और समाधान चाहिए। ये समाधान है एक विशेष स्टील एक्सोस्केलेटन जिसे कहते हैं द डायग्रिड। ये एक मजबूत लेकिन पतला स्टील फ्रेम होता है जो अल्दार हेडक्वार्टर्स के अनूठे शेप को बनाने वाला है और अपनी मजबूत बीम्स और जॉइंट्स के जरिए फोर्सेस को कोर्स में भेज देगा। एक सिंगल एलिमेंट के रूप में स्टील बहुत मजबूत होता है, मगर सबको एक साथ लगा देने से हमें ज्यादा ताकत मिल जाती है और हम इससे अनोखी शेप्स भी बना सकते हैं। स्टील के एग्जोस्केलेटन को आर्किटेक्ट के विजन को मुमकिन बनाना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऐसा पहली बार होने वाला है। इस तरह का स्काईस्क्रेपर बनाना एक अनजान दुनिया में कदम रखने जैसा है। इस इमारत की ज्योमेट्री ने हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रखी। इसके अलावा एक दूसरी चुनौती थी डायग्रेड बिल्डिंग या डायग्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली बिल्डिंग। ये अबू धाबी और यूएई में पहले कभी नहीं बनाई गई थी। इस काम के लिए जरूरत है एक्सपर्ट स्टील फैब्रिकेटर्स की। हमने जब पहली बार डिजाइन देखा तो समझ गए कि इसका काम हमें अपने सबसे अनुभवी लोगों को सौंपना होगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। फैब्रिकेटर्स की पूरी फौज 2400 घंटे शिफ्ट्स में काम करके 2500 टन स्टील काटकर उसे वेल्ड करने में जुट गई। फैक्ट्री ए आकार वाले 30 टन वजन तक के स्टील सेक्शंस बना रही थी। इस स्ट्रक्चर के खास कर्व्स को बनाने के लिए इन्हें आपस में जोड़ा जाना था, लेकिन इन विशाल ए फ्रेम्स को बनाना ही एक बड़ी चुनौती नहीं था। इन्हें साइट पर उठाकर उनकी जगह रखना भी एक खासा बड़ा काम था। मेन ग्रिड स्ट्रक्चर के मेन कॉलम्स और बड़े बड़े सेक्शंस के लिए स्टील को आते देखना अच्छा लग रहा है। अपना काम शुरू करने के सिर्फ 18 महीने बाद ही स्टील वर्क को शुरू करने का विचार ही बहुत अच्छा था। फैंटास्टिक। लेकिन पहले ए फ्रेम की डिलीवरी से जुड़े रोमांच की जगह जल्दी ही घबराहट ने ले ली। इन बड़े बड़े फ्रेम्स को बड़ी सटीकता से उठाया जाना था। तनाव बहुत ज्यादा था। हमने जब पहले ए फ्रेम को उठाया तो हमें इस पर सारी चेन्स लगानी पड़ी। इसे ऊपर तक उठाने में करीब 1 घंटा लगने वाला था और हर कोई पसोपेश में था कि बात बनेगी या नहीं। ये इम्तिहान का पल था। ए फ्रेम को जमीन से ऊपर उठाया गया। हर किसी के मुंह से आहा निकल गया जब ये ऊपर गया।
पहले एक्सोस्केलेटन सेक्शन को आखिरकार बेस प्लेट पर बोल्ट कर ही दिया गया। इसे ऊपर लगाए जाते देखकर बहुत अच्छा लगा। पहला ए फ्रेम ऊपर लग गया, इसमें हमें कामयाबी मिली, पर अब भी कई फ्रेम्स लगाने हैं। अबू धाबी के इस अनोखे स्काईस्क्रेपर को बनाने के लिए अभी 99 ए फ्रेम्स और लगाए जाने थे। हैंडओवर डेट सिर्फ 19 महीने ही दूर थी, इसलिए अब टीम को हेडक्वार्टर्स के इंटीरियर पर ध्यान लगाना था। इस स्ट्रक्चर में कुल मिलाकर 85 रेस्ट रूम्स की जरूरत थी और ये कोई जल्दी निपटने वाला काम नहीं था। इसमें बहुत से प्लम्बर्स के साथ साथ काफी समय भी लगने वाला था, जो नहीं था। तो इस काम को तेजी से करने के लिए टीम ने एक बार फिर नया तरीका निकाला। ये समाधान था प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम मॉड्यूल या पॉड्स। कोई पॉड एक फैक्ट्री मेड रेस्ट रूम होता है, जिसमें लैबोरेटरीज, बेसिन्स, मिरर्स वगैरह होते हैं, जिसे बिल्डिंग में फौरन लगाया जा सकता है। टीम की योजना 12 टन वजन के इन पॉड्स को क्रेन से उठाकर टेट्रिस के किसी विशाल गेम की तरह कोर्स में उतार देने की थी। निर्माण प्रक्रिया एक फाइन ट्यून्ड सीक्वेंस होती है। पॉड्स को एक्सोस्केलेटन द्वारा कोर्स की एक्सेस को रोकने से पहले ही लगाया जाना था। अल्दार को डिजाइन को बिना वक्त गवाए मंजूर करना था, पर एक समस्या थी। हमने कई विजुअल्स और ग्राफिक्स बनाए, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आए। उसके बाद हमने बनाया पॉड। जब हम उसे फैक्ट्री में देखने गए तो कई लोगों को लगा कि यही तो चाहिए था, लेकिन अल्दार ने पॉड डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। इतने फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर के लिए ये बहुत ही मामूली था। इसे दोबारा से बनाने में कई महीने लगने वाले थे और एक्सोस्केलेटन इंतजार नहीं कर सकता था। इससे तो पूरी योजना ही चौपट हो सकती थी। अब एक ही विकल्प था कि रूफ के दो सेक्शंस को जोड़ दिया जाए और पॉड्स को बाद में ड्रॉप किया जाए, लेकिन इसके भी अपने खतरे थे। लिहाजा टीम को अब बिल्डिंग के स्केलेटन को ग्लास स्किन से ढकना था और पहले किसी ने भी ऐसा ग्लास फसाद नहीं बनाया था। अल्दार हेडक्वार्टर्स की ज्योमेट्री काफी पेचीदा है। दो विशाल और गोलाकार फसाद बास्केटबॉल के 52 कोर्ट्स जितनी जगह कवर करते थे। तीसरा सकरा सरफेस किसी जिपर की तरह गोल फसाद को ज्वाइन करता था और एक से दूसरे छोर तक इसका एंगल 290 डिग्रीज था, लेकिन इस तरह का कर्व्ड ग्लास मौजूद ही नहीं था। लिहाजा इंजीनियर्स को एक और योजना की जरूरत थी। इस कर्व्ड सरफेस को फ्लैट ग्लास से कवर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी थी, तो स्क्वायर ग्लास का विकल्प बचा ही नहीं था। स्क्वायर ग्लास बिना डिस्टॉर्ट हुए एक बार में एक ही दिशा में मुड़ सकते हैं। अल्दार हेडक्वार्टर्स को ऐसे ट्रायंगल्स की जरूरत थी जो तीन एक्सिस पर टिक सकें और अपने पास वाले शीशे के साथ जुड़ जाएं। इन पेचीदा कर्व्स को बनाने के लिए 25,000 अलग अलग पेन्स बनाने थे, लेकिन इससे पहले कि शीशे का उत्पादन शुरू होता, टीम के लिए ये जानना जरूरी था कि शीशा कितना विंड प्रेशर झेलेगा। ये जिम्मेदारी एक बार फिर विंड इंजीनियर रॉय टनून के कंधों पर आ गई, जिन्हें इस डिजाइन को अपनी विंड टनल में टेस्ट करना था। जब हमने पहली बार डिजाइन देखा तो हम जान गए कि हमें काफी प्रेशर झेल सकने लायक ग्लास बनाना होगा। अगर हमने कम ताकत का ग्लास बनाया तो ये बिल्डिंग से बाहर उड़ जाएगा। बड़े फसाड्स की वजह से मुश्किल पैदा होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। पूरी बिल्डिंग पर सबसे ज्यादा लोड होता है हवाओं का, जो सीधे इसके व्हाइट फेस से टकराती हैं। ये हवाओं को किसी सेल की तरह लेती हैं। हवा इनके बीच में आती है और पूरी इमारत पर फैल जाती है, जहां ये अलग होकर इमारत के छोरों पर फैलती है, वहीं पर हमें सबसे ज्यादा दबाव नजर आते हैं। ये दबाव ऐसा होता है जैसे कि कोई बड़ी एसयूवी हर पैनल के बाहर की तरफ लटकी हुई हो। लेकिन डेन्यून के टेस्ट ने सिर्फ यही नहीं बताया, अल्दार हेडक्वार्टर्स की गोल शेप के कारण एक और मुश्किल पैदा हुई। हमने जब शुरू में डिजाइन देखा तो उसके शार्प एजेस को देखकर हम सावधान हो गए कि यहाँ पर काफी जबरदस्त प्रेशर्स पैदा हो सकते हैं।
जहाँ हवा शीशे के सकरे किनारे से टकराती है तो वहाँ ये घूमकर वोर्टेक्स पैदा कर देती है। फ्लो का रिसर्कुलेशन होता है, ये अलग हो जाता है और सतह पर छोटा सा बबल बन जाता है जहाँ हवा नहीं टकरा रही होती, और फिर ये लौट कर फिर सतह से टकराता है। ये इस बात का इशारा है कि आपके ग्लास के लिए सबसे ज्यादा डिजाइन लोड्स इस जगह पर पड़ रहे हैं। इस छोटे से बबल का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स है। हवा ग्लास को अल्दार हेडक्वार्टर से खींच कर बाहर निकाले, इसे रोकने के लिए हर पेन को ज्यादा मोटे ग्लास और ज्यादा मजबूत फ्रेम से शक्तिशाली बनाया जाना था, लेकिन इससे आगे मौजूद काम की विशालता कम होने वाली नहीं थी, और ये था इंस्टॉलेशन। अगर 10 महीने में 25,000 ग्लास पीसेस बनाने की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी कोशिश है। ग्लास को साइट तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ये समस्या साइट पर ही ग्लास फैक्ट्री को ले आने से हल हो गई। साइट पर फैक्ट्री को लाने से आसानी हो गई, क्योंकि अगर ग्लास पैनल खत्म हो जाते थे तो हम फौरन फोन कर देते थे कि हमें और पैनल चाहिए, और ये पैनल ट्रक पर लादकर भेज दिए जाते थे। 5-10 मिनट के बाद ही ये ग्लास पैनल साइट पर पहुंच जाते थे। ग्लास फैक्ट्री ने ट्रक के जरिए पैनल्स को साइट पर भेजा और इन पैनल्स को क्रेन के जरिए इंस्टॉलेशन टीम तक पहुंचाया गया। हर वक्त एक ही प्रेशर था, द प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। ग्लास को फ्लोर प्लेट तक तो लाया गया, लेकिन पैनल्स लगाने के लिए 8 स्पेशलिस्ट रिगर्स की टीम की जरूरत पड़ी। ग्लासेस की तादाद बहुत ज्यादा होने से शायद ये काम बहुत मुश्किल हो गया। इतनी ऊंचाई पर किसी कर्व पर ग्लास लगाने के लिए पैनल्स को एक प्लेटफॉर्म से लेना पड़ता था जो बिल्डिंग से बाहर की तरफ लटका हुआ था। ये काम आसान होना चाहिए था, लेकिन इस टीम को अबू धाबी की हवा को भी झेलना था। यहाँ हवा कहीं से भी कभी भी आ सकती है, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें हुई। हवा की वजह से ग्लास घूमने लगता था। हमारे सामने दो ही रास्ते होते थे कि या तो इसे उठाएं, इमारत में पहुंचाएं, इसके जगह लगाएं, या फिर इसे वापस जमीन पर ले जाएं। ये सारे फैसले फौरन वहीं लेने होते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि एक बड़ा सा पैनल 20 मंजिल की ऊंचाई से नीचे आ गिरे। इस बारे में तो कोई उस वक्त सोचना भी नहीं चाहता था। ये ग्लास पैनल सही सलामत अपनी जगह बैठ गया, लेकिन टीम को अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना था तो उसे रोजाना 29 ग्लास पैनल्स लगाने थे। हम औसतन 30 या 32 ग्लासेस लगाते थे। सबसे बढ़िया दिन वो था जब हमने 40 से ज्यादा लगाए। एक तरफ तो ग्लासेस तेजी से ऊपर की तरफ लगते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर टीम के सामने देरी से मिले वॉशरूम पॉड्स को लगाने का काम बाकी था, ताकि रूफ स्टील को बंद किया जा सके। नए डिजाइन को आखिरकार अप्रूव कर दिया गया और 10 महीने बाद 12 टन वजन वाले मॉड्यूल्स साइट पर पहुंचने लगे। पॉड्स को लगाने का काम बहुत तेजी से होता है। हम उन्हें हुक करते हैं, 140 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं टावर क्रेन के टॉप तक। अब पॉड को कोर शाफ्ट से नीचे उतारा जा सकता था। ये एकदम सही फिट हुआ और अगल बगल में केवल 75 मिलीमीटर जगह ही बची। जब मैंने पहले पॉड को देखा तो बड़ी राहत मिली कि चलो हमारी ये मुश्किल भी खत्म हुई और हम वो काम बखूबी कर पाए जो क्लाइंट चाहता था। पॉड्स लगातार आ रहे थे, लेकिन काफी देर होने की वजह से कुछ गंभीर परिणाम सामने आए। एक्सोस्केलेटन को पूरा करना सीधा सादा काम था, लेकिन अधूरी स्टील रूफ की शेप बिगड़ गई। डेडलाइन में अभी 8 महीने बाकी थे और दुनिया की पहली गोल्ड स्काईस्क्रेपर तेजी से पूरी होती जा रही थी, पर जब इसका निर्माण कार्य खत्म होने को था तभी निर्माण प्रक्रिया में एक गंभीर बाधा आ गई।
वॉशरूम को कोर्स में लगाने में हुई देरी से टीम को रूफ आर्च को खुला छोड़ना पड़ा, जिसके कारण स्टील का आकार गड़बड़ा गया। हेडक्वार्टर्स की हल्के वजन वाली रूफ की आर्च ही इसकी असली जान थी। इसके कर्व्स दबावों को समान रूप से बांटकर फाउंडेशन में भेजने वाले थे, लेकिन अगर आर्च का कोई एलिमेंट गुम हो तो ये फोर्सेस नीचे तक नहीं जा सकती, जिससे छत वजन के कारण झुक जाएगी। ये झुकाव कितना गंभीर था ये जानने के लिए स्टील की जांच की गई। मैंने साइट सुपरवाइजर बॉब को फोन किया और उनसे पूछा कि कितना झुकाव रिकॉर्ड किया गया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि करीब 50-60 मिलीमीटर होगा, लेकिन जब मुझे 150 मिलीमीटर झुकाव की खबर मिली तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। जो इमारत बेहद सटीक इंजीनियरिंग पर निर्भर करती हो, उसके लिए 150 मिलीमीटर का झुकाव काफी बड़ी समस्या थी। अब रूफ आपस में जुड़ने वाली नहीं थी। बाकी बचे 40 ग्लास पैनल्स को कनेक्ट करने वाले ब्रैकेट्स अब बेमेल हो जाने वाले थे। उन्हें दोबारा से डिजाइन करने का समय नहीं था। टीम को किसी तरह रूफ स्टील को फिट करना था। इसका एक ही तरीका था कि पूरी रूफ को उठाकर उसकी जगह रख दिया जाए। इसका वजन 200 टन था। बॉब मैकफी जैसे अनुभवी स्टील इंजीनियर के लिए भी ये काम काफी मुश्किल था। जब मैं अपने काम के बारे में ऐसी बातें सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रूफ आर्च को ऊपर उठाने के लिए दो हाइड्रोलिक जैक्स को एक लोड बेयरिंग वॉल पर लगाया गया। इनके जरिए 80 टन वजन कोर में पहुंच रहा था। दो और जैक्स को 16 मीटर ऊंचे स्टील कॉलम्स के साथ लगाया गया। इनके जरिए भी 40-40 टन वजन लेवल 23 के कंक्रीट फ्लोर तक पहुंचने लगा। इन प्रॉप्स को स्टील स्लैब्स के साथ पैक किया गया ताकि जब जैक्स को उठाया जाए तो रूफ अपनी जगह बनी रहे। रूफ पहले कुछ 1 मीटर ऊपर उठी, इसके बाद 5, फिर 10 और इसके बाद उठती गई 20, 50, 100 और फिर अपनी फाइनल पोजीशन 150 मिलीमीटर तक पहुंच गई। पूरी छत को 170 मिलीमीटर तक उठा दिया गया। झुक चुके आर्च आखिरकार अपनी पोजीशन में पहुंच गए। अब बस आखिरी स्टील सेक्शन को और उठाया जाना था। ये भी ठीक तरह से फिट हो गया और छत आखिरकार बनकर पूरी हो गई। अबू धाबी की पहली फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही 25,000 ग्लास ट्रायंगल्स वाला अलदार हेडक्वार्टर्स बनकर पूरा हो गया। बस इसमें एक ग्लास और लगना था। ग्लास इंस्टॉलेशन टीम ने इस शीशे को धीरे धीरे नीचे उतारा। कोई भी नहीं चाहता था कि आखिरी ग्लास को तोड़ने के लिए वो जिम्मेदार हो। टीम के लिए ये बेहद खास पल था और आखिरी ग्लास को भी उसकी जगह लगा दिया गया। बहुत बढ़िया, आखिरी ग्लास को ऊपर लगते देखना कमाल की फीलिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद हर शख्स मेरे जैसा ही महसूस कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तमाम मुश्किलों के बावजूद और सिर्फ 30 महीने में टीम ने इस चमत्कार को पूरा कर दिखाया। ये है अलदार हेडक्वार्टर्स, इंजीनियरिंग से जुड़ी एक उपलब्धि। दुनिया का ये पहला गोल्ड स्काईस्क्रेपर अबू धाबी की रेत से 125 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा है। इसके सभी 3,000 ग्लास पैनल्स में आसपास के लैंडस्केप, नीले आसमान और पर्शियन गल्फ के जीवंत समुद्र की छवि नजर आती है। अमेजिंग स्ट्रक्चर। आपको दुनिया में कहीं भी कोई गोल इमारत नजर नहीं आएगी, इसलिए इसका हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगा। फैंटास्टिक। इस दौरान तमाम मुश्किलें, चुनौतियां, आशाएं, निराशाएं आती रही, जिससे जीत का ये एहसास और बढ़ गया। मोहम्मद अल मुबारक को ये अनोखा आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या ये बिल्डिंग उनकी उम्मीदों की कसौटी पर खरी उतरेगी?
ये वाकई एक पीस ऑफ आर्ट है, ये कमाल की बिल्डिंग है। मुझे तो ये लगता है कि इसे एक म्यूजियम में होना चाहिए। इसमें गजब की जगह है, ये सचमुच बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जब आप इसके सामने आते हैं तो ये आपकी कल्पना से कहीं बड़ी नजर आती है। इसे कागज से हकीकत बनाना सचमुच कमाल है। अलदार हेडक्वार्टर्स अबू धाबी की स्काईलाइन में पहले ही एक आइकन बन चुका है और ये शायद अल रहा बीच के बेहतर भविष्य के लिए ठोस नींव मुहैया कराएगा। आर्किटेक्ट मावन जरैब अपने कॉन्सेप्ट स्केच को हकीकत में बदला देखकर बहुत खुश हैं। ये बिल्डिंग तो ओरिजिनल आइडिया से भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अब ये एक हकीकत है। अब ये महज सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है। अलदार हेडक्वार्टर्स न सिर्फ दुबई की बेहद खास इमारतों से मुकाबला करता है, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी बड़े गर्व से अपनी मौजूदगी जता सकता है। अलदार हेडक्वार्टर्स ने अबू धाबी को वाकई दुनिया के नक्शे पर ला दिया है। आज बेशक हम सिंगापुर, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन से मुकाबला ना कर पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम एक दिन वहां जरूर पहुंचेंगे।